इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार बरहन आगरा। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जी में बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बालियों की आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 जून से 22 जून 2024 तक 15 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान आराधना एवं सर्वार्थ सिद्धि महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन अनेक भक्त उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन नरपतिया, महामंत्री श्री धीरज कासलीवाल एवं मंत्री श्री गौरव पाटोदी जी हैं। आपको बताया है आचार्य श्री का 25वां दीक्षा दिवस है और 25वां चतुर्मास होने जा रहा है और उसी 25वें दिवस में जो प्रथम गेट है, सबसे आगे वाला द्वार जो है, वो सौभाग्य सागर महाराज के नाम से बनाया गया है। वो सौभाग्य सागर द्वार पे कल उस पे वहाँ पे पत्थर लग जाएगा और वो आचार्य श्री के समक्ष ही उसका उद्घाटन किया जाएगा। दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, मेरे बंगले में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरे बंगले में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकार। महानुभावों, हमारी जैनागम में जब मद की बात चलती है तो उस समय 8 मद का वर्णन आता है। रतनकर्ण श्रोकाचार्य यदि आपने अध्ययन किया होगा तो उसमें 8 मदों का वर्णन आता है। उसमें एक मद जाति मद होता है, कुल मद होता है,
रिद्धि मद होता है, ऐश्वर्य आदि आदि का मत भी उसमें इस तरह से आठ मत बताए जाते हैं। और इन आठ मदों को जो इंसान करता है वह बलपूर्वक करने का प्रयास करता है। और बल कितने होते हैं? तीन बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। अब इनमें से जो मन का बल है वह तो आपको दिखता है खुद को कि मेरा मन कितना मजबूत है और मेरा मन कितना परेशान है। लेकिन वचन बल और काय बल ये ऐसा है जो आपको भी दिखता है और दूसरों को भी दिखता है कि आपका वचन बल कितना मजबूत है, आपका काया का बल कितना मजबूत है। और काया को भी शायद लोग ना देख पाए लेकिन आपके वचन के बल को इंसान देखते जरूर है। वचन बल क्या है? कि आप अपने वचनों से किसी भी जीव को अच्छी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं और आप अपने वचनों के माध्यम से किसी भी जीव को रुष्ट कर सकते हैं। मन, वचन और काय, जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो त्रियोग कहा जाता है कि त्रियोग से छह डाल आप पढ़ते हैं, उसमें आता है कि नमो त्रियोग शमार के। त्रियोग क्या है? मन योग, वचन योग और काय योग। और इन तीनों की जब एकाग्रता हो जाती है तो त्रियोग बन जाता है। और जब जिस व्यक्ति का त्रियोग एक सा हो जाता है उसको समझ के चलना कि प्रभु की प्राप्ति कभी ना कभी जरूर हो जाया करती है। आज चर्चा करेंगे हम लोग काय बल की। काय बल आपका बहुत मजबूत है और काय बल के बाद में आप क्या करते हो आप विचार करना। एक कथानक के माध्यम समझिए, एक ताले की चाबी खो गई, ताले की चाबी खो गई, घर में हड़कंप मच गया कि ताला खोलना है, चाबी लाओ, तरह तरह की चाबी लगाई गई लेकिन ताला नहीं खुला। आनन फानन में लोगों ने ताले पर हथौड़े मारना प्रारंभ कर दिया, नहीं खुला, मजबूत ताला था। सारे लोग अपनी अपनी युक्ति लगा रहे थे, कोई कुछ लगा रहा था, कोई सुई डाल रहा था, कुछ डाल रहा था, कोई पैचेस डाल रहा था, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ताला खोलने का प्रयास कर रहा था। हथौड़े की चोट भी ताले पर पड़ रही थी लेकिन ताला ढीला हो रहा था लेकिन खुल नहीं पा रहा था। इतने में किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि पड़ोस में चाबी बनाने वाला है, उसके पास चलते हैं और चाबी बनवा के ताले को खोल लेते हैं। चाबी वाला आया, उसने चाबी बनाई और जैसे ही चाबी लगाई एक झटके में ताला खुल गया और ताला, चाबी और हथौड़े दोनों को एक डिब्बे में रख दिया गया। और जब दोनों को एक डिब्बे में रख दिया गया, जैसे कि आप कभी ट्रेन में चार पांच ही लोग हों, प्लेन में चार पांच लोग हों और आप लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते हो तो भी आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ वार्तालाप करेंगे। यदि उसके फ़ोन की घंटी धर्म की बज गई तो जैन धर्म की बात करेंगे, कोई पर्यावरण का शौकीन होगा तो पर्यावरण की बात करेगा, कोई भोजन का शौकीन होगा तो कोई भोजन की बात करेगा, कोई भजन का शौकीन होगा तो भजन की बात करेगा, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से काम करेगा। तो हथौड़े ने चाबी से कहा कि बहन मुझे बताओ, तुम इतनी सी चाबी, तुम एक बार ताले के अंदर गई और ताला खुल गया और मैं हथौड़ा कम से कम 20, 25, 30, 40 बार लगातार ताले पर पड़ रहा था लेकिन ताला खुला नहीं। चाबी ने बहुत सुंदर सी जवाब दिया, चाबी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया जो मार्मिक है। उसने कहा कि मैं छोटी हूं, मुझे समझ नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं ताले के ऊपर प्रहार नहीं करती बल्कि अंदर जाकर ताले के दिल को छूती हूँ और जब मैं उनके दिल को छूती हूँ तो वह अपने आप दिल खोल देता है। इसी प्रकार से आप अपने वचनों के माध्यम से, काय के माध्यम से किसी के अंतस तक पहुँचने का प्रयास करो, आपका काम संपन्न हो जाएगा। पंडित जी कितनी अच्छी बात बता रही थी, बहुत 2-3 साल पुरानी बात है। हम लोग कहीं बैठे थे, एक व्यक्ति परेशान दुखी आया, गर्मी का समय था, मैंने सहज भाव में यही उससे कहा कि आप एक घड़ा लो और उल्टा घड़ा पेड़ पर लगा दो। तो मेरे साधु भी कहने लगे, बोले आज महाराज को क्या हो गया, आज तक तो हमने देखा ही नहीं कि टोटका टोना जानते हो और मैं कुछ जानता भी नहीं, हम तो अंगूठे छापे इस चक्कर में। तो उन्होंने कहा कुछ उपाय बताओ, घर बन जाए। मैंने कहा भाई तुम्हारा कर्म होगा बन जाएगा। बोले नहीं कुछ बताइए। तो मैंने उससे यही कहा घर के बाहर तुम्हारे कोई पुराना मटका है? हम बोले है। मैंने उसको ले जाओ और पेड़ पर आड़ा लगा दीजिए
और उस व्यक्ति ने पेड़ पर घड़े को आड़ा लगाया और ये बात होगी मई जून की, और फरवरी में काड़ा लेकर आया कि बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से घर बन गया। मैंने कहा हमारा तो निमित्त ही भगवान का आशीर्वाद है। बोले नहीं, आपने जो मंत्र दिया ना उसका प्रभाव है। तो मैंने धीरे से पूछ लिया, मंत्र दिया कौन सा था तुझे? बोले आपने कहा था ना कि घड़ा लटका दो पेड़ के ऊपर, लेकिन महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने घड़ा आड़ा लटकाने के लिए क्यों बोला? आप ऐसा लगाते पिंडी के रूप में हो जाता, उल्टा लटकाते, लेकिन घड़े को ऐसा आड़ा लटकाने के लिए क्यों कहा? तो पंडित जी हम लोग बैठे थे तो हमने कहा कि घड़ा आड़ा लटकाने के लिए से कहा था कि गर्मी के समय जो पशु पक्षी हैं वो भिन्न भिन्न तरह से परेशान होते हैं। आप देख रहे हो दिल्ली में कितनी गर्मी है, यहाँ पर यदि 10 कदम भी नंगे पैर चलना पड़ता है तो इंसान ऐसा लगता है कि जैसे पॉपकॉर्न नहीं कूदती है तबे के ऊपर, ऐसे ही आदमी नंगे पैर में कूदने लग जाता है। और विचार करना चाहिए कि जो हमारे दिगंबर संत विचरण करते हैं वह तो आहार को भी जा रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, अंदर चाहे कुछ भी सुविधा हो लेकिन बाहर तो खुले में विचरण करते हैं ना, उनके साथ कैसा होता होगा? तो उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आपके घड़े में लगाया तो क्या हुआ? घड़े को लगवाने का उद्देश्य यही था कि उसके अंदर कोई 2-4-5 चिड़िया भी अपना घोंसला बना लें तो उनका घर बन जाएगा, और निश्चित रूप से उन 2-3 चिड़ियाओं का ही तुम्हें आशीर्वाद मिला है कि तुमने उनके रहने के लिए छोटा सा घर बनाया, तो उनके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा मकान तुम्हारा बन गया। तो आज आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, आज आप बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हो, तो ये समझना कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हमने देव शास्त्र गुरु की व्यवस्था की होगी, जरूरतमंद की सहायता करी होगी, परोपकार के मानवता के कार्य किए होंगे, उस कारण से हमारा एक कार्य संपन्न हो रहा है। आपको बताऊं, कई लोगों के मन में बात होती है कि विधान ही विधान क्यों होना, लेकिन आपको बताऊं, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि यहाँ पर जो हम पहले प्रभु को समर्पित कर देते हैं बाद में वह किसी ना किसी व्यक्ति के भोजन के काम में आता है, ये मात्र मात्र जैन धर्म में होता है। अन्यत्र में तो लगाया जाता है भोग और बाद में आपको ही खाने को मिल जाता है लौट के। आप श्रीफल चढ़ाते हो, फोड़ के लगाते हो, आधा श्रीफल आपको मिल जाता है, मिठाई चढ़ाते हो, आधी मिठाई आपको वापस मिल जाती है। लेकिन जैन धर्म ऐसा धर्म है कि आप जितना चढ़ाते हो वह उतना किसी ना किसी के, चाहे माली के हो चाहे किसी गरीब व्यक्ति के हो, वह उसके भोजन के रूप में काम में आता है। तो आपको पुण्य मिला पहले आपको सामग्री चढ़ाने का, और उसके बाद में वह किसी भूखे के पेट में जा रहा है तो यह भी कहीं ना कहीं पुण्य का है, चाहे भूखे के पेट में जाए चाहे उसकी आजीविका का साधन बने। तो यहाँ पर बात चल रही थी बल की, वचन बल आपका कैसा है मालूम नहीं, कायबल आपका कैसा है मालूम नहीं, लेकिन आपके मन का बल जो है वह आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंतरंग में है, और जिसका मन बल मजबूत है उसका वचन और काय तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो हमारी काय कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी काया के माध्यम से, आपकी काया के माध्यम से यदि किसी का भला हो रहा है तो समझ के चलना कि आपकी काया का महत्व है। और यदि आपकी काया के हथौड़े को देखा ना आपने, हथौड़ा प्रहार कर रहा था लेकिन ताले को नहीं खोल पाया, आप किसी को मारपीट कर सकते हो लेकिन आप उसके अंतरंग को नहीं जीत सकते। और आप यदि मारपीट ना करो और कोई व्यक्ति धूप में खड़ा है घर के बाहर और आपने ठंडे पानी की एक बोतल उसको निकाल कर दे दी तो क्या होगा, वह निश्चित रूप से कभी आपको मौका पड़ेगा तो कोल्ड ड्रिंक पिलाने का, ठंडा पिलाने का प्रयास जरूर करेगा। और अनजान व्यक्ति को आप पिला रहे हो तो वह आपको जानकार बनकर पिलाएगा। मानवता आपके अंदर, मानवता विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि मानवता नहीं है, लेकिन मानवता का आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आज वर्तमान में समय वह नहीं है कि हम सारे संसार को सुरक्षित कर सकें, लेकिन आज वर्तमान में ये समय भी नहीं है कि हम प्रत्येक परिवार यदि ये संकल्प कर ले कि हम लोग गर्मी के महीने में एक एक जीव को अभयदान देने का प्रयास करेंगे, एक एक जीव को पानी पीने के लिए कटोरदान आदि रखने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि भारत देश में इतने सारे लोग हैं कि एक एक परिवार के बीच में एक एक जीव भी आएगा तो निश्चित रूप से गर्मी के समय में जैसा हमें सुख साधन चाहिए उनके भी तृप्ति मन की हो सकती है। तो 8 मद हैं, मद को आने के बाद, पद को प्राप्त करने के बाद इंसान को कभी मद में घमंड में नहीं आना चाहिए। और घमंडी व्यक्ति जो होता है ना, आपने रामायण सुनी है, रामायण देखी है, पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ा भी होगा किसी किसी ने, उसमें आपने देखा है कि रावण जो है वह बहुत ज्ञानी पुरुष था, आने वाले समय में
अच्छी गति में जाने वाले हैं, प्रकृति का बंध भी हो चुका है, सब कुछ था, ज्ञानी था, विद्वान था, व्रती था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर क्या था? अहंकार था। एकमात्र दुर्गुण था कि अहंकार की मैं, और मैं के कारण ही उसका सर्वनाश हो गया। आप विचार करो कि जो आने वाले समय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर चुके हैं, आज उनका नाम कोई लेना पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इंसान में के नाम में खराबी नहीं थी, उस नाम के इंसान ने ऐसा कार्य किया कि आज भी कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। जो अच्छी प्रकृति में, अच्छी गति में जाने वाले हैं, निश्चित हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, हम उनको पसंद नहीं करते। तो आप विचार करिए, वह तो अच्छी गति में जाने वाले हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते, तो आपकी गति कौन सी होने वाली, ये तो किसी को पता नहीं, ये तो केवली का विषय है, तो हमें कौन पसंद करेगा? आप, मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। दो शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है? आपको दो शब्द प्रेम से ही तो बोलना है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठ के पूजन कर रहे हैं और वो जगह दिख रहा है, आपने कहा यहाँ बैठ के पूजा करिए ना। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार बरहन आगरा।